India much more. People the India. Food, the people, everything. We maintain our level. We don't do such things. Sleep. Hello guys, good morning. आज है दूसरा दिन मुन्नार पे और अभी मैं हूँ होटल के छत के ऊपर. मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हो, पहाड़ों में जो घर बनाया हुआ है बेहद खूबसूरत दिख रहा है. सो वेलकम बैक टू द चैनल बाइक माय बडी एंड दिस इज़ योर फ्रेंड सागर लामा. व्हाट्सअप, कैसे हो, कैसे छो एंड नमस्कार टू ऑल. सो दोस्तों, आज बहुत सारा प्लान है. आज पूरा दिन हमें मुन्नार को प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है. लास्ट टाइम जब मैं आया था तो शायद मैं एक ही व्यू पॉइंट और टी गार्डन ही घूम पाया था. बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू गो मेनी अदर प्लेसेस. जैसे इको पॉइंट हम पहले जाएंगे, वहाँ से फिर पोथामेडू व्यू पॉइंट, शायद मैं वहाँ पर जा चुका हूँ, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ. उसके बाद एक वाटरफॉल है, अट्टुकाड वाटरफॉल में हम जाएंगे. उसके बाद वेगोमैन मीडो, आपको दिखाते हैं सब कुछ. जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ आपको लेकर जाते हैं. आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को. अगर आप एंजॉय करते हैं मेरे वीडियो को, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल फ्रेंड्स. अभी नीचे चलते हैं, पैकिंग हो गया है, मुझे बस गियर्स पहनने हैं और बाइक में चलकर राइड स्टार्ट करते हैं. ओके, मिलते हैं बाइक पे. बाय बाय. ओके, थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग फ्रेंड. और गाड़ी ठंड में स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो ठंड में अपना जैसा हालत था, बाइक का भी वही हालत था. सो अभी हम जा रहे हैं इको पॉइंट, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है. और नाश्ता अभी तक हमने किया नहीं है. मॉर्निंग को हमने चाय पिया, उसके साथ एक बिस्किट. आई थिंक ये ही होगा इको पॉइंट का जो रास्ता होगा. भैया ये इको पॉइंट इधर ही है क्या? इको पॉइंट, इको पॉइंट, इको पॉइंट, इको पॉइंट, इको पॉइंट, इको पॉइंट में लेके तो भाई वो राइट साइड रोड आ गया, वो लेफ्ट साइड स्ट्रेट रोड. ओके ओके, थैंक यू सर. इधर पेट्रोल डालना हो? हाँ, पेट्रोल डालेगा, रास्ते मिलेगा क्या? अबे आकर डाल लेना अभी. जा 30 किलोमीटर जाएगा कि नहीं? हाँ तो हो, कोई बात नहीं. काफ़ी ठंड था. सवेरे हम 7:30 को लगभग उठे थे और बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था. इतना ठंड, जैसे पाँव में और हाथों में बर्फ जमा हो, इस तरह का ठंड था. मुड़पट्टी बोटिंग, ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हो, ये टी गार्डन का खूबसूरत नज़ारा है. यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर घोड़े का सवारी भी कर सकते हो. सो ये है फोटो शूट पॉइंट. एट फोटो पॉइंट इन मुन्नार. आपको मैं दिखाता हूँ एक डिफरेंस जो मैंने अभी नोटिस किया है. डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, ये जो टी प्लांटेशन है लाइट ग्रीन में है और यहाँ पर डार्क ग्रीन में है. ये क्यों है मुझे पता नहीं है. मैं भी ये शायद अभी रेडी है फैक्ट्री में जाने के लिए. ये माइट नॉट बी, टी प्लांटेशन के अंदर जाना अलाउ नहीं है, ये सारे प्राइवेटाइज है. अभी तौफीक, अभी जो भी तू फोटोग्राफी लेगा, मोमेंट, मोमेंट्स का लेगा, सिर्फ मोमेंट का लेना, तब तब कुछ स्पेशल होगा. ये लेक का नाम है, ओके, ये डैम है, इट्स अ डैम, मधुपट्टी डैम. सो इट्स अ डैम. सो यहाँ पर लिखा गया है डैम पेडल बोटिंग सेंटर मधुपट्टी, पार्किंग एंड बोटिंग. टू व्हीलर के लिए यहाँ पर 5 रुपए, फोर व्हीलर के लिए 10 रुपए, अगर बोटिंग करना है तो 300 रुपए पेडल बोटिंग. सो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मधुपट्टी डैम. हेलो गाइस, अभी है हम मधुपट्टी डैम. मेरे पीछे रिजर्वर है. इस तरफ आते हैं, इस तरफ है डैम. नीचे डैम है और वहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है नीचे, अगर आप देख सकते हो तो कैनाल की तरह बना हुआ है. सो खूबसूरत सा डैम है ये.
और निकलते हैं अभी आगे। और यहाँ पर काफी फॉरेनर टूरिस्ट भी है। ये है सनव्यू वैली बोटिंग सेंटर। यहाँ पर आपको बोटिंग करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, पर कुछ 300 रुपए चार्ज है बोटिंग का। ये अभी लेक दिख रही है यहाँ से। आई थिंक ये डैम का पानी ही होगा मेरे ख्याल से, जो रिजर्व करके रखे हैं। पानी यहाँ से वहां जा रहा, लेक के तरफ जा रहा पानी, तो यहाँ पर शायद झरना हो सकता है। सो इट वॉज ट्रू, इस तरफ झरना है तो यहाँ से मतलब पानी गिरते हुए लेक के तरफ पानी जा रहा है। जबरदस्त व्यू है बे। मुन्नार में आना मतलब जबरदस्त है, खुशहाली है यहाँ पर, खुशहाली। Have you ever thought of being far away? Jumping in the car, not knowing where you're heading today. Just following your heart. काफी स्टॉप ले रहे हैं क्योंकि रुकने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना बेहतरीन बेहतरीन नजारे हैं, ये देखो आप। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यहाँ पर काफी सारा पेड़ को काटा गया है। Which is one of the beautiful place in India. It's the second time that you come? Mine is second time, his is first time. In Israel, there is like snow. Mm-hmm. It's only 300 kilometers and then the desert. It's really different. So you found India quite well. Right? Wow, amazing. Amazing, really. The food, the people, everything is. The girls, they've been Romania and to here. And now we ask them, what do you like most, Romania or India? They said, India, much more. The weather here is great. Yeah, people are helpful, right? Yeah. And we want, you know, all the visitors who have come from outside, they should be treated well, you know. Bye bye then. Thank you. Thank you. Thank you. मैंने ये बिस्किट खाकर यहाँ पर फेंका था, जो कि ये तौफिक ने बोला ऐसे मत करो, तो नहीं करेंगे ये। ये क्या करते हैं, इसको हम रखते हैं फिलहाल के लिए और इसे डस्टबिन में ही फेंकेंगे। हम यहाँ पर गंदगी फैलाने नहीं आए हैं और ना ही फैलाने देंगे अपने में, अगर हो सके तो दूसरों को भी बताएंगे। ये जो नेचर है इतना बेहतरीन और ब्यूटीफुल है, यहाँ पर बिल्कुल करना नहीं है, नहीं करना चाहिए। साफ़ सुथरा रखो ताकि विजिटर्स आएंगे, अगर वो ये सब गंदगी देखेंगे तो हमारा देश का ही, हमारा जगह का ही बदनामी होगा। सो लेट्स नॉट डू दिस। यहाँ आने का प्लान नहीं था, बस नहीं था। जाते वक्त देखे कि यहाँ लेक है, अगर बाइक आ जाता है तो चले आए। लेकिन ये लोकेशन का नाम हमको पता नहीं है, बस अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो हम आ गए बस। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऐसे एडवेंचर करेंगे थोड़ा, यहाँ जाकर ऊपर। स्लिप कर रहा है। एक्सक्यूज मी, कैन यू पुश माई बाइक? आई जस्ट वॉन्ट टू टेक इट अप, इफ यू डोंट माइंड। It's a slippery actually. Thank you very much. Sorry for troubling you. अरे यार बाइक गिर गया था। Eco point? Okay. So the entry ticket inside the Eco point is 10 rupees per head. So दो टिकट हमने लिया 20 रुपए का। So ये है Eco point। यहाँ पर अगर आप चिल्लाते हो तो यहाँ पर आपका voice गूंजता है काफी जोर का, तो इसीलिए ये Eco point है। और
सब आप यहाँ पर आकर चिल्ला रहे हैं जो जोर से। इको पॉइंट होता है चिल्लाने के लिए। हम अपना लेवल मेंटेन करते हैं, ऐसा चुतिया भी नहीं करता। मैं हंसू कि क्या करूँ अब। रिकॉर्ड कर दिया वो दिखाएगा। Have you ever thought of being far away? Jumping in the car, not knowing where you're heading today. Just following your heart. अभी रुके हुए हैं एक होटल में कुछ खाने के लिए। सवेरे हमने नाश्ता नहीं किया था, अभी खा कर हम कहाँ जाएंगे तौफिक? वैगमॉन मीडोज, वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लानिंग है। तो अभी टाइम हो गया है 11:40 ऑलमोस्ट, तो अभी क्विकली खाते हैं और फिर निकलते हैं। हमने ऑर्डर किया है डोसा, डोसा के साथ ऑमलेट खाते हैं। तू खुद बनाता है? ऑमलेट हाँ खुद बनाता है। सो अभी हम जा रहे हैं वैगमॉन मीडो, जो कि यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर है और पहुँचने के लिए हमें 3 से 3.5 घंटे चाहिए और अभी टाइम हुआ है 1:00। दोनों रास्ता जाता है, वो लंबा पड़ेगा, ये ठीक है। हाँ भारी दुख के साथ एक बात बताने जा रहा हूँ कि वैगमॉन हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि घड़ी में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1:40 हो रहा है और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि वैगमॉन नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 80 किलोमीटर है और 3 घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए, तो उस हिसाब से कुछ 5 बज जाएगा, वापस आते आते रात 8-9 बज जाएगा। सर रास्ता भी अच्छा नहीं है काफ़ी, देखो आप ये रास्ता सही नहीं है फिलहाल के लिए, अगर मॉर्निंग होते तो जाते हैं पर अभी ये प्लान कैंसिल हो गया और हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल, अत्ताकुड वाटरफॉल, मिलते हैं वहाँ पर। भारी मन दुख, दुखी मन मेरा। Have you ever thought of being far away? Jumping in the corner. तौफिक वहाँ पर काजू खरीद रहा है, स्पेशल मुन्नार का काजू है ये, तो तौफिक ट्राई करना चाहता था तो वो खरीद रहा है। 100 ग्राम का 60 रुपया और हाफ केजी का 300 रुपीज, और मैं खूबसूरत नज़ारा का यहाँ पर मेरे पीछे आनंद ले रहा हूँ। Just following your heart and where it leads you to. ये एक डैम की तरह है आई गेस। नो थ्रू फेयर रोड विल बी क्लोज 31st of March। ये व्यू पॉइंट है, पोथामेडू व्यू पॉइंट। हम कहाँ कहाँ से घूम घूम कर आए हैं रे भाई। अभी अट्टुकाड वाटरफॉल जा रहे हैं और ये आप रास्ता देख सकते हो कितना डेंजरस है ये रास्ता, अच्छा है नहीं, ऊपर से नीचे खाई भी है तो थोड़ा केयरफुल होना है, बिल्कुल भी स्पीड नहीं करना है। अबे यहाँ से तो ये यू टर्न बता रहा है, अबे दिख तो मेरे को भी रहा है लेकिन रास्ता कहाँ है? पक्का ना? पक्का? बड़ा कंफ्यूजन है यार ये गूगल मैप, कंफ्यूजन ये है कि गूगल मैप शो कर रहा है कुछ और हम हैं कहीं और। अरे बाप रे बाप रे, दो रास्ता दिख रहा ना इसीलिए, तेरा तो बता रहा था ना, क्या बता रहा था? नीचे वाला रोड वही उधर जाना था क्या हमको? हाँ ये नीचे वाला रोड तो बाइक जाने के लायक तो दिख नहीं रहा, रास्ता है बता तो रहा है, चल देख कर आते, चलो रास्ता इतना खराब नहीं है। हमारा पूरा ऑफ रोडिंग हो रहा है यहाँ पर। वाटरफॉल के लिए शॉर्टकट रास्ता लेकर क्या हमने सही किया पता नहीं, अभी आगे चलकर ही पता चलेगा। ये देख रहे हो खाई, बाप रे ये वाटरफॉल के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, सोचा नहीं था कि इस तरह के रास्ते से हमें जाना पड़ेगा वाटरफॉल के लिए। भैया वाटरफॉल इधर है ना, पानी पानी भैया पानी, डैमेज बाइक बाइक नहीं जाएगा, जाएगा
एक बात बता, किसको पता है कि ये रोड ऐसा खराब है? बता, वो करेंगे कि वापस यहाँ से कुछ 400-500 मीटर होगा मेरे ख्याल से। कुछ देर के लिए हम इसे ही वाटरफॉल समझकर वापस जाने वाले थे। के अंदर जब हम बाइक लेके आगे होते ना, तो हम अपने आप को कंधे पे हम ऐसे 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 करने के लायक बनते हैं। अभी एक थोड़ा सा चिंता ये है कि बाइक वहाँ पे पार्क किया है, बस वो सेफ रहे अपना बाइक। देखो देखो देखो, ये मेन रोड है यार। तो एक चर्च भी है यहाँ पर, अभी फिलहाल के लिए बंद पड़ा हुआ है। वाटरफॉल का जो पानी है उसका आवाज काफी जोर का कानों में पड़ रहा है। आई होप कि आप लोगों को वो आवाज आ रहा हो। कैन यू हियर द साउंड ऑफ वाटरफॉल? यू कैन हियर, आई कैन सी, जस्ट लुक एट बिहाइंड मी। एक नंबर। पूरा प्रोटेक्शन है यहाँ पर इस ब्रिज में। ये जो फेंसेस किया गया, नीचे बिल्कुल नहीं जा सकते। एक्चुअली ये पूरा वाटरफॉल था, समझा ना, इसके ऊपर ब्रिज बना दिया गया। पानी का बहाव बहुत तेज है। तो यहाँ पर नोटिस दिया गया है, स्लिपरी रॉक्स अहेड, डोंट एंटर द वाटर। यह नोटिस अभी हमने पढ़ा कि नीचे जाना मना है, प्रोहिबिटेड है। सो मोटा मोटी मुन्नार हो गया। तो मुन्नार में क्या क्या हमने देख लिया? चाय का बागान देखा, अटाकड वाटरफॉल देख लिए, इको पॉइंट देख लिए, फोटो पॉइंट देख लिए, एक डैम भी था ना, मट्टूपट्टी डैम, देवी कुलम लेक देखा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थोड़ी देर पहले हम वहाँ पर थे उस ब्रिज पे, अभी यहाँ पर एक छोटा सा कैफे है, तो वहाँ पर पानी पीने के लिए और वाइन थोड़ा अदरक पीने के लिए आए हुए हैं। सो आपको एक क्लोजर लुक दिखाता हूँ वाटरफॉल का। मुन्नार में अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गया है, गर्मी से राहत ठंडा नींबू पानी। Have you ever thought of being far away? तो हम दोनों हैं अभी चाय बगान पे, और क्या करेंगे अभी ना, ट्राई करते हैं इसे तोड़ कर, देखते हैं कि इसमें चाय की खुशबू आती है कि नहीं। ठीक है तौफिक, चल एक बार तू करके दिखा दे। कच्चा पत्ता मैं हाथ में लेके कुछ चेक कर रहा हूँ। कैसा है? मेरे को तो कुछ फर्क नहीं लग रहा, चाय जैसा टेस्ट नहीं है इसको। मैं भी सुखाएंगे तब टेस्ट आता है चाय का। तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ, ये देखते हैं। नहीं यार, चाय का टेस्ट नहीं आ रहा। पत्ता सबको उखाड़ के टी फैक्ट्री लेके जाता है, फिर उसके बाद में इसको प्रोसेसिंग होता है, उसको सुखाते हैं, फिर मशीन में डालते हैं, फिर बारीक दाना वाना की तरह निकलता है, फिर जाके चाय मिलता है। हम तो ये टेस्ट कर रहे थे कि इस पत्ती में चाय का खुशबू आता है या नहीं, और नहीं आता है, बस ये टेस्ट करते हैं। कि आप जब ट्रिप पे जा रहे हो तो पानी बिल्कुल ही मत खरीदो, पेट्रोल पंप ही जाओ और वहाँ से आप पानी लाओ, आपका हक है पानी वहाँ से लेना, कोई पेट्रोल पंप वाला मना नहीं करेगा। 2000 करोड़ किलोमीटर चलने के बाद, 2000 करोड़, अभी बाइक दिख गई है। ये मेरी वाइट हॉर्स, रेड टाइगर इनका। तो भाई अभी पैदल चलने के बाद बाइक पर बैठकर होटल चलते हैं, थक गए, लिटरली बहुत थक गए। आज का हमारा खाना ये है, है ना?
खाना खाने के बाद शॉपिंग करेंगे। अबे वहाँ पे पूरा दुकान भरे हुए है, वो जाएंगे उधर आगे दूर भरा हुआ है, चाय खरीदेंगे। ये आप पानी देखोगे, ये गरम गरम पानी, ये मिक्स करते हो आप? वो मिक्स करते हैं, वो उधर से है ना, वो गरम पानी आएगा उधर डाल कर नहीं है वो सेम। तो हमारा खाना हो गया, अभी खाना खा कर अभी चलते हैं, चाय वाय कुछ खरीदेंगे, कुछ खरीद कर फिर चलते हैं फिर अपने रूम होटल। तो अभी हम हैं टी के शॉप में, जहाँ से हम मुन्नार का जो स्पेशलिटी है टी लेने आए हैं। यहाँ पर है कुछ, तो देखते हैं। तो हमने ये ले लिया है मुन्नार का मसाला टी, कैडमियम टी। चलो फिर, I hope you have enjoyed the video. If you have enjoyed, please like, share and subscribe and keep supporting my channel. So see you in my next vlog. Until then, live a beautiful life, ride safe and make memories. Bye bye. तोहफे कुछ बोलना चाहता है, बोलो तो। सुनो सुनो, अंधेरा होने के पहले से हमको यहाँ से निकलना है क्योंकि ये जगह भूतिया प्लेस है। थोड़ी देर पहले एक यहाँ पर लोकल आदमी से हमने बात किया था, तो उस लोकल आदमी ने ये बताया है कि यहाँ पर शाम को 7 बजे के बाद कुछ होता है जो कि हम बिलीव नहीं कर सकते। उन्होंने इनडायरेक्टली यही बोला है कि ये थोड़ा भूतिया है, थोड़ा सा जल्दी यहाँ से निकल जाओ।